नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज बात करेंगे योगिनी एकादशी की, कि योगिनी एकादशी कब आती है, इसकी पूजा विधि क्या है, एकादशी व्रत का पारण कैसे किया जाना चाहिए, और इस एकादशी का यानी कि योगिनी एकादशी का इतना महत्व क्यों है। वैसे तो हर एकादशी का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन इस योगिनी एकादशी का महत्व सबसे ज्यादा क्यों है। चीकोज रेसिपीज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टैप करें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। तो अभी आषाढ़ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष चल रहा है। जैसे हर बार बताती हूँ, महीने में दो पक्ष आते हैं, एक आता है शुक्ल पक्ष और एक आता है कृष्ण पक्ष। तो दोनों बार एकादशियाँ आती हैं, और जो कृष्ण भक्त हैं वो दोनों एकादशी ही करते हैं, शुक्ल पक्ष की भी और कृष्ण पक्ष की भी। तो जो एकादशी का व्रत है, ये सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। ये पितरों को मोक्ष प्रदान करता है और भगवान श्री हरि की प्राप्ति भी करवाता है, और हमें सभी कष्टों से मुक्ति दिलवाता है, और सभी पुण्यों की हमें प्राप्ति होती है। तो एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना बड़े विधि विधान के साथ की जाती है। और ऐसा माना गया है कि जैसे जाने अनजाने में हमारे से पाप होते ही रहते हैं, और उन्हीं पापों में से एक पाप ये भी है कि जाने अनजाने में अगर कभी हमने पीपल के पेड़ को काट दिया हो, तो अगर हम योगिनी एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो हमें उस जाने अनजाने किए हुए पाप से मुक्ति मिलती है। एकादशी व्रत के बारे में महाभारत की कथा में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को एकादशी के व्रत के बारे में विस्तार से बताया था। तो एकादशी का जो व्रत होता है वो बहुत ही पुण्य देने वाला है, कष्टों को हरने वाला होता है। तो इस व्रत की यानी कि जो योगिनी एकादशी है, ये 5 जुलाई सोमवार के दिन पड़ रही है। तो जो भी भक्तजन व्रत करना चाहते हैं वो 5 जुलाई सोमवार के दिन ही एकादशी का व्रत करेंगे। तो पूजा विधि आपको बता देती हूँ, बिल्कुल साधारण सी सरल सी पूजा विधि हर बार की तरह इस बार भी आपको बताऊँगी। दशमी तिथि से ही जो व्रत है शुरू हो जाता है। दशमी तिथि को शाम को दिन ढलने से पहले भोजन कर लें, अगर हो सके तो अन्न का सेवन ना करें, बाकी आप अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करें, लेकिन हो सके तो चावल ना खाएं, खिचड़ी ना खाएं और प्याज लहसुन का सेवन ना करें। दशमी तिथि की रात्रि को थोड़ा सा भजन कीर्तन करके सोएं। तो एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, अपने बिस्तर पर ही नियम बनाएं कि आपको, अगर आपने नियम अब तक बनाया हुआ है, जो कर दर्शन का नियम है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरवस्ती सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, पर भाते कर दर्शनम। अगर आपने ये नियम नहीं बनाया तो एकादशी से आप इस नियम का पालन करना शुरू कर दें, और उसके बाद पृथ्वी माता को दाएं हाथ से छूकर अपने माथे पर जरूर लगाएं, पृथ्वी माता से क्षमा याचना करें। तो फिर आपको स्नान करना है, पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। फिर जहां आपको पूजा करनी है, हो सके तो आप चौकी लगाएं, अगर चौकी नहीं लगानी तो आप अपने घर के मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं। वहाँ पर आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, भगवान श्री कृष्ण की करें, या आपके पास शालिग्राम जी हैं उनकी, या लड्डू गोपाल जी हैं उनको पंचामृत से स्नान करवाएं आप उन्हें। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो उस शंख में आप पंचामृत डालकर ठाकुर जी को स्नान करवाएं या शालिग्राम जी को स्नान करवाएं। देसी घी का दिया जलाएं। कलश स्थापना करना चाहते हैं तो कलश स्थापना भी आप एकादशी के दिन कर सकते हैं। धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें। अगर पीले फूल कहीं मिल जाते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु को, शालिग्राम जी को और लड्डू गोपाल जी को पीले फूल जरूर चढ़ाएं। पीले फूल नहीं भी मिलते तो कोई बात नहीं, जैसे अभी मेरे किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था, उनका जवाब देना मैं भूल गई थी। उन्होंने बोला था कि मैम आप अपनी घर की किसी पूजा में फूल क्यों नहीं चढ़ाती हैं। तो जी देखिए, ये कोरोना का समय चल रहा है, कम से कम मार्केट जाएं, कोशिश मेरी यही रहती है। और बाकी मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ, भगवान को अगर हम अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाते हैं तो उससे अच्छे फूल कोई भी नहीं हो सकते हैं।
क्यों? क्योंकि उस फूल का बीजारोपण हमने अपने स्वयं के अंदर किया होता है और उसके माली भी हम खुद ही होते हैं। तो श्रद्धा के फूल चढ़ाएं अपने भावों से, अपने भगवान श्री हरि विष्णु की, ठाकुर जी की, कान्हा जी की, शालिग्राम जी की पूजा करें। उसके बाद आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, हरि स्तोत्र पढ़ें। अगर नहीं आता तो आप किसी म्यूजिक सिस्टम पर लगाकर उसे सुन सकते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करें और एक माला आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय की जरूर करें। तुलसी जी की परिक्रमा करें, तुलसी जी में दिया जलाएं, सूर्य भगवान को जल जरूर दें। जल के अंदर आप या तो लाल सिंदूर या लाल फूल डालकर या गुड़ और चावल डालकर सूर्य भगवान को जल दें। जहाँ आप खड़े हैं वहीं खड़े खड़े एक परिक्रमा जरूर करें सूर्य भगवान की। और हर बार की तरह बोलती हूँ, आपको जो व्रत करना है उसका संकल्प लेना होता है। जैसी पूजा शुरू करेंगे उससे पहले हाथ में गंगा जल लेंगे, संकल्प लेंगे। व्रत आपको कैसे करना है? व्रत आप करें अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार। अगर आपको मीठा का करना है तो आप मीठा भोजन करके करें। तो मीठे में आपको क्या क्या भोजन करना है? साबूदाना की खीर खा सकते हैं, दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ आप खा सकते हैं, जैसे कुट्टू का जो आटा है, सिंघाड़े का आटा है, इसका हलवा बनाया जाता है, आलू का हलवा है, इन सब चीज़ों का आप भोग भी लगा सकते हैं और स्वयं भी खा सकते हैं। अगर आपने नमक वाला भोजन खाना है तो आप आलू की सब्जी बनाएं, कुट्टू की पकौड़ी बनाएं, कुट्टू के पराठे बनाएं, कुट्टू की पूरी बनाएं, ये सब बनाकर आप ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। और दान भी आपको फलों का और दूध का ही देना है, दक्षिणा सहित। और दिन ढलने से पहले आपको अपना जो व्रत का भोजन है वो कर लेना है, ठाकुर जी को भी भोग लगा देना है। तो संध्या के समय की पूजा भी यही है कि तुलसी जी में दिया लगाएं, तुलसी जी की परिक्रमा आप सुबह भी करें 11 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए, और शाम को भी आप तुलसी जी की परिक्रमा जरूर करें और अपने घर के मंदिर में भी पूजा करें। और जो सुबह के समय में पूजा के बाद आपको योगिनी एकादशी की सुननी है कथा, साल में 24 एकादशी आती है, सभी एकादशी की जो कथा है वो अलग अलग होती है, तो आपको कथा भी सुननी है। शाम को भी अच्छे से पूजा करें, थोड़ा सा भजन कर लें, कीर्तन कर लें। अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो दशमी तिथि की रात्रि से भी जलाना शुरू कर सकते हैं, या एकादशी तिथि के दिन आप सुबह जब पूजा पाठ करेंगे तब आप देसी घी का दिया जलाएं, पूरा दिन जलता रहेगा, पूरी रात जलता रहेगा, द्वादशी के दिन तक वो जो दिया है वो जलता रहेगा। तो एकादशी तिथि के दिन सुबह पूजा कर ली और शाम को पूजा कर ली, शाम को यानी कि रात को सोने से पहले थोड़ा सा भजन कीर्तन कर लिया, फिर बारी आ जाती है द्वादशी तिथि की, कि द्वादशी तिथि में आपको जो अपने व्रत का पारण करना है। तो व्रत के पारण का समय है 6 जुलाई मंगलवार को। इस दिन सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक आपको अपने व्रत का पारण कर लेना है। व्रत के पारण में जैसे मंगलवार है, कुछ लोग मंगलवार का व्रत रखते हैं तो वो बोलेंगे कि मैम व्रत का पारण कैसे करें, तो जी आप तुलसी दल और पानी डालकर वो पी लें थोड़ा सा, तो आपके व्रत का पारण हो जाएगा। उसके बाद आप अपने जो मंगलवार का व्रत है वो कंटिन्यूस कर सकते हैं। तो व्रत के पारण में ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाएं, चावल का भोग लगाएं, चावल का दान जरूर दें, वो भी दक्षिणा सहित। तो एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी की सुबह जैसा मैंने आपको बताया किया जाता है, तो द्वादशी तिथि के समापन होने से पहले पहले हमें जो एकादशी के व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो धूप दीप नैवेद्य से पूजा करेंगे तो ठाकुर जी को तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाएं, शालिग्राम जी को भी, लड्डू गोपाल जी को, भगवान श्री हरि विष्णु की फ़ोटो है आपके पास, मूर्ति है यानी कि विग्रह है, तो तुलसी का पत्ता आपको ठाकुर जी को जरूर चढ़ाना है। तो ये थी सीधी सी सरल सी योगिनी एकादशी व्रत की विधि। तो आप हर बार जैसे दो पक्ष की एकादशी आती है तो दोनों पक्ष की एकादशी इसी तरीके से आप कर सकते हैं। कुछ एक लोगों के सवाल आए थे कि मैम एकादशी के व्रत कैसे किया जाता है, तो हर एकादशी का व्रत बिल्कुल इसी तरह से किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि निर्जला एकादशी का व्रत आपने ऐसे किया तो आने वाली और एकादशियों का व्रत आपको अलग तरीके से करना होता है, ऐसा नहीं है। तो जो एकादशी रविवार के दिन यानी कि संडे के दिन आती है, उस एकादशी को दिन कहा जाता है कि मीठा भोजन करना चाहिए।
तो बाकी एकादशी बिल्कुल पूजा विधि यही है और जो मैंने आपको बताया इसी सरल तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो मैंने बिल्कुल सरल तरीके से बताई है एकादशी यानी कि योगिनी एकादशी की पूजा विधि जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।